हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गेहूं के आटे और आलू से बनी नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लिए टिफिन में या छोटी मोटी भूख में कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और स्वाद इतना लाजवाब कि इसके आगे समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी भी फीकी लगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें डाल रही हूँ एक कटोरी गेहूँ का आटा, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच अजवाइन और दो चम्मच तेल के। तो आप तेल की जगह पर यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अगर आपके पास पहले से गुथा हुआ आटा रखा हुआ है तो आप उससे भी नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप मैदा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आटे की जगह मैदे से भी ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। जिस तरह से नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, उसी तरह का आटा हम यहाँ पर गूंथ कर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, आटे को मैंने यहाँ पर मसल मसल कर अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम आटे को ढक देंगे और ढककर इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। यहाँ पर मैंने दो बॉयल आलू लिए हैं। तो आलू को हम यहाँ पर मैश कर लेंगे। तो ये ठंडे आलू हैं, पहले मैं यहाँ पर इस तरह से काट लेती हूँ ताकि मैश करने में आसानी हो। तो आप मैश करने की जगह यहाँ पर इन्हें ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। आलू का कोई मोटा टुकड़ा यहाँ पर नहीं चाहिए हमें, तो एकदम महीन आलू को हम यहाँ पर मैश कर लेंगे। ये देखिए, आलू हमारे यहाँ पर अच्छे से ये मैश हो चुके हैं। तो हम इसमें यहाँ पर बाकी के मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर लिए मैंने एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक टुकड़ा अदरक का जिसे कद्दूकस करके लिया है, आधा छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, एक चुटकी यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है और एक चुटकी यहाँ पर सौंफ का पाउडर लिया है। अगर सौंफ का फ्लेवर यहाँ पर ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिए। आधी छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया है और आधी छोटी चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर रोस्टेड कस्तूरी मेथी ली है। सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैंने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि पहले से ही हरी मिर्च डाल रखी थी। तो अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और डाल लीजिए। आप इसमें गरम मसाला, अमचूर पाउडर, मसाले अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इसे रख देंगे हम साइड में। आटे को रेस्ट पर रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं और आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, ये देखिए। तो इसमें से हम एक लोई तोड़ लेंगे और इसका पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। और बचे हुए आटे को ढककर हम यहाँ पर साइड में रख लेंगे। मैंने प्लेटफार्म पर थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया है। तो लोई को सूखे आटे में लपेट लेंगे और इसकी यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। तो जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसे हमें यहाँ पर बेलकर तैयार करना है। ये देखिए, ये रोटी मैंने बेलकर तैयार कर ली है। ये देखिए, और इसी तरह से मैंने ये चार रोटियां बेलकर तैयार कर ली हैं। तो एक रोटी को लेंगे और यहाँ पर प्लेटफार्म पर रख देंगे। यहाँ पर लिया है मैंने टमाटो केचप, तो रोटी के ऊपर टमाटो केचप लगा देंगे। अच्छे से पूरी रोटी पर इसे फैला लेंगे। अब हमने जो ये आलू की स्टफिंग बनाई है, इसे रोटी के ऊपर रख देंगे और एकदम पतला पतला इसे पूरी रोटी के ऊपर फैला लेंगे। तो मोटी लेयर आलू की नहीं बिछानी है, एकदम पतला पतला इसे फैलाना है। आलू को मैंने ये अच्छे से फैला लिया है। अब एक रोटी और लेंगे और इस रोटी के ऊपर रख देंगे। किनारों से खींच कर रोटी को बड़ा कर लेंगे ताकि ये अच्छे से बराबर हो जाए। अब यहाँ पर मैंने ये हरे धनिया की चटनी बनाई है, तो इसे रोटी के ऊपर लगा लेंगे अच्छे से। तो आप इसकी जगह यहाँ पर चिली सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर से आलू की स्टफिंग लेंगे और इसे रोटी के ऊपर पतला पतला फैला लेंगे और फिर से एक रोटी को ऊपर रखेंगे इस तरह से। रोटी के ऊपर फिर से हम टमाटो केचप लगाएंगे और फिर से आलू की स्टफिंग इसके ऊपर फैला देंगे। अब रोटी से इसे कवर कर देंगे इस तरह से और रोटी को इस तरह से किनारों से बराबर कर लेंगे। अब एक चाकू लेंगे और चाकू से यहाँ पर इसके पीस काट कर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये रोटी को 8 पीस में काट कर तैयार किया है। तो आप अपनी मनपसंद शेप में यहाँ पर रोटी को काट कर तैयार कर सकते हैं।
मैं आपको एक पीस निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए अच्छे से इसकी लेयर बनी है, और ये देखिए अच्छे से स्टफिंग भी अच्छे से भरी हुई है। इन्हें एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे हम। मैंने यहाँ पर एक कटोरी में थोड़ा सा मैदा लिया है, इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी डालकर इसका पतला घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये पतला सा घोल मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब एक एक पीस लेंगे और इसे यहाँ पर मैदे के घोल में डिप करेंगे। चम्मच से इस तरह से उठा लेंगे ताकि इसका जो मैदे का घोल है वो एक्स्ट्रा सा बाउल में ही निकल जाए। और इधर मैंने पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इन पीस को इस तरह से हम तेल में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम में इन्हें अलट पलट कर यहाँ पर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये नीचे से फ्राई हो चुके हैं तो इन्हें पलट लेते हैं। तो पीस हमारे सिक चुके हैं तो इन्हें हम निकाल लेंगे, और सिकने के बाद देखिए ये किस तरह से फूल भी गए हैं। ये देखिए तो बचे हुए सारे पीस भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये रोटी का नाश्ता बनकर तैयार है। इसे मैंने सर्व किया है टमाटो केचप और हरे धनिया की चटनी के साथ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार होता है। और जो बच्चे बाजार से समोसा कचौड़ी पकौड़ी लेकर खाते हैं उससे तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होता है। ये देखिए, तो आप एक बार इस नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।